नमस्ते दोस्तों, मैं आशीष मौर्य। दोस्तों आप देख सकते हैं यह न्यू हॉलैंड 3037 ट्रैक्टर है। दोस्तों इसके क्लच हाउसिंग में बहुत ज़्यादा इंजन ऑयल आ रहा था, तो आज के वीडियो में मैं आपको यही दिखाने वाला हूं कि क्लच हाउसिंग में ऑयल आए तो कैसे सही होता है। तो इसमें ऑयल आने के दो वजह है, पहला कि इसका चैम्बर किट ख़राब हो जाता है और दूसरा इसका मेन सील ख़राब हो जाता है। तो यहाँ मैंने इसका चैम्बर खोला हुआ है। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये चैम्बर किट है, यही जो है कि ख़राब हो जाता है, इससे ऑयल क्लच हाउसिंग में जाने लगता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये ऑयल बॉडी पे बहुत ज़्यादा लगा हुआ है। तो इसके चैम्बर को कैसे खोला जाता है और कैसे नया किट लगाकर फिट किया जाता है, इसका वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ। अगर आप नहीं देखे हैं तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो दोस्तों मैं जल्दी से इसका चैम्बर फिट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगा कि ऑयल क्लच हाउसिंग में आने का दूसरा कारण क्या है। तो ये आप देख सकते हैं, हमने यहाँ इसका चैम्बर फिट कर लिया है। तो ये आप देख सकते हैं, हमने इसके चैम्बर को लगा लिया है। और दोस्तों हमने ट्रैक्टर को दो भाग किया हुआ है, तो इसका जो मेन ऑयल सील है ये ख़राब हो जाता है। तो यहाँ हमने क्लच प्लेट खोल लिया है, तो ये आप देख सकते हैं पूरा क्लच हाउसिंग इंजन ऑयल से भरा हुआ है, बहुत ज़्यादा इसमें ऑयल आ रहा था। अब क्या करेंगे, इसके फ्लाईव्हील को खोलेंगे, फ्लाईव्हील को खोलकर हटा देंगे। तो यहाँ जो ये 6 बोल्ट लगे हैं इसको खोलकर फ्लाईव्हील बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ हमने फ्लाईव्हील खोलकर बाहर निकाल लिया है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ इसका ऑयल सील लगा हुआ है। तो यहाँ चैम्बर ये फिट हो चुका है। तो अब दूसरा कारण, इस ऑयल सील से ऑयल आता है, तो इस प्लेट को खोलेंगे। तो दोस्तों इस ऑयल सील को बदलने के लिए इस पूरे प्लेट को खोलकर बाहर निकालेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये ऑयल सील लगा हुआ है और ये जो सभी बोल्ट है इसको खोलेंगे। तो दोस्तों यहाँ जल्दी से सभी बोल्ट को खोल लेते हैं। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दें। तो यहाँ ऐसे सभी बोल्ट को खोल लेना है। तो दोस्तों प्लेट निकालने से पहले इसको अच्छे से साफ कर लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, हमने पूरे हाउसिंग को अच्छे से साफ कर लिया है और इधर भी हमने अच्छे से साफ किया हुआ है। ये आप देख सकते हैं अच्छे से साफ हो चुका है, और इधर जो बाहर ऑयल लगा हुआ था इसको भी हमने अच्छे से साफ कर लिया है। अब दोस्तों इसके ऑयल सील प्लेट को निकालेंगे। तो यहाँ हमने ऑयल सील प्लेट को निकाल लिया है, अब हम इसके ऑयल सील को निकालेंगे। तो यहाँ ऑयल सील को ऐसे निकाल देंगे। और इस प्लेट को अच्छे से साफ कर लेंगे। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये नया वाला ऑयल सील है। दोस्तों ये टैफे कंपनी का जेन्युइन ऑयल सील है। दोस्तों ये सैमसंग के सभी इंजन में यही ऑयल सील लगता है। दोस्तों ये 750 रुपये का ऑयल सील है। तो इस नए वाले ऑयल सील को इस प्लेट में लगाएंगे। तो यहाँ ऐसे इसको लगाना है। तो ये आप देख सकते हैं, हमने ऑयल सील को प्लेट में लगा लिया है। अब इस प्लेट को हम फिट करेंगे। तो यहाँ पैकिंग लगाने के बाद प्लेट को लगाएंगे। तो यहाँ पैकिंग को अच्छे से लगा लेंगे।
और जो यहाँ आयल सील लगा हुआ है इसमें ग्रीस लगाएंगे। यहाँ ऐसे आयल सील में अच्छे से ग्रीस लगाने के बाद इसको लगाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारा प्लेट जो है अच्छे से लग चुका है। अब इसके सभी बोल्ट को हम टाइट कर देंगे। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं, हमारा पूरा प्लेट अच्छे से लग चुका है और टाइट भी हो चुका है। अब हम इसके फ्लाईव्हील को लगा देंगे। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं, ये हमारा पूरा ट्रैक्टर जो है कि कंप्लीट हो चुका है। अब इसके क्लच हाउसिंग में ऑयल बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि हमने इसका चेंबर किट और ऑयल सील दोनों ही चेंज कर दिया है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।